जम्मू एंड कश्मीर एक्सप्रेस फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर वाज डिलेड बाय स्नोफॉल इन 16 मिनट्स एंड मेड अप फॉर द डिले ऑन अ सेक्शन ऑफ 80 किलोमीटर्स ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर हायर देन इट्स नॉर्मल स्पीड. फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल. देखो बेसिकली हो क्या रहा है, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस में, जहां पे हमने पहले भी देखा हुआ है कि सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड्स के ऊपर आप ट्रैवल करवाते हो और उनके बीच का टाइम का डिफरेंस आपको गिवन होता है. और अभी हम लोग इसको कंटिन्यूअसली खूब सारे क्वेश्चन देखेंगे लॉ टू के अंदर जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस बन के आ रहे होंगे. ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से होगी कि आपको दोनों टाइमिंग्स के बीच का डिफरेंस दे रखा है कितने का, 16 मिनट का. बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि इसने 16 मिनट लेट स्टार्ट किया लेकिन तब भी अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर ये टाइम से पहुंच गया. इसका कहने का मतलब कि दोनों टाइमिंग्स के बीच में 16 मिनट का डिफरेंस था. तो T1 माइनस T2 का जो डिफरेंस है दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू 16 मिनट्स, यानी 16 डिवाइडेड बाय 60 विच इज इक्वल टू 4/15. अब टाइम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितने के ऊपर, इसने 80 किलोमीटर वाला जो सेक्शन उस पे इसने मेकअप किया, तो 80 डिवाइडेड बाय, याद रखना कौन सी स्पीड, कम वाली स्पीड पहले क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, बाय लेट्स से मैंने उसकी नॉर्मल स्पीड ले ली एक्स, माइनस 80 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 10, दोनों की स्पीड में कितना 10 का डिफरेंस था. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेरे पास में वैल्यू बन के आनी चाहिए कितनी, 4/15. तो यहां पे जब भी डिनोमिनेटर के अंदर इस तरह की वैल्यू बन के आएगी, इस तरह की वैल्यू का मतलब एक वेरिएबल दे दिया और दूसरे के अंदर वेरिएबल प्लस या माइनस कुछ दे दिया, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वो टाइम कंज्यूमिंग बनने वाली है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने तुम्हें क्या सिखाया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 99% केसेस के अंदर ऑप्शन से सॉल्व करनी, उसके लिए क्या जरूरी है, ये तुम्हारी इक्वेशन जो है वो जो क्वेश्चन में पूछी गई वैल्यू है उसकी टर्म्स में बना हुआ. तो इसमें क्या पूछा तुमसे, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सप्रेस, यानी तुमसे कम वाली स्पीड पूछी जा रही है. तो हमने एक्स की टर्म्स के अंदर बनाया है. अगर ये तुमसे क्वेश्चन पूछता कि इंक्रीज स्पीड कितनी है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते, अगर ये ए लेते तो इसको ए माइनस 10 लेते, क्योंकि उस कंडीशन में तुमसे पूछा जाता है इंक्रीज स्पीड कितनी है, तो इंक्रीज स्पीड ये और दूसरी स्पीड उससे 10 किलोमीटर पर आवर कम थी, इसलिए हमने रिड्यूस करा. डिस्टेंस दोनों कंडीशन के अंदर सेम है, 80 का डिवाइडेड बाय पुरानी स्पीड, 80 डिवाइडेड बाय नई स्पीड, दोनों के टाइम के अंदर 4/15 का डिफरेंस. अब अगला स्टेप क्या होगा, इस इक्वेशन को या तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो और या फिर ऑप्शन उठा के सॉल्व. हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे इसको. ऑप्शन से सॉल्व करने के अंदर भी मैंने तुम्हें एक चीज पहले भी सिखाई हुई है और मैं फिर तुम्हारे को याद दिलवा रहा हूं, हमारे पास में यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन वैलिड है वो हम पहले से पता लगा सकते हैं. अगर मेरे पास में ऑप्शन नंबर ए को देखता हूं तो मेरे कॉम्बिनेशन क्या क्या बने समझना, एक बना 60 और दूसरा बना 70. इस ऑप्शन को मैं देखते ही एलिमिनेट कर सकता हूं. क्यों कर सकता हूं एलिमिनेट, अगर मैं अपने यहां पे देखूं डिनोमिनेटर को तो इट इज 15. 15 के प्राइम फैक्टर्स अगर देखता हूं तो क्या है, 5 और 3. तो यहां पे भी जो चीज बन रही है ना उसके अंदर प्राइम फैक्टर्स रहने चाहिए 5 और 3, राइट. अब यहां पे जो ऑप्शन बन गया है उसके हिसाब से प्राइम फैक्टर्स क्या है, 60 के अंदर तो 5 और 3 है, यहां पे क्या है एक 7 भी नया आ जा रहा है. अब या तो 7 यहां पे कैंसिल आउट हो जाए ऊपर और एलिमिनेट हो जाए, लेकिन ऊपर तो दे रखा है 80. 80 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, समझ गए, यानी कि 7 जिंदा रहेगा, विच मींस ये मेरा आंसर नहीं हो सकता. इसी तरह से दूसरा 66.66 को क्या लिख सकते हो, ये डेसिमल के पीछे वाली दो चीजें देखने के बाद में अपन ने किसी चीज को 3 से डिवाइड किया होगा जो हमें 66.66 मिला, इसकी वैल्यू कितनी बन के आ जाती है, 200/3, राइट. यानी कि यहाँ पे क्या क्या रहेगा ऑप्शन के अंदर, एक तो ऑप्शन रहेगा 200/3 और दूसरी जो रहेगी वो ऑप्शन कितना रहेगा, 200/3 + 10, यानी कि वो बन जाएगा कितना, 230/3. अगेन यहाँ पे 23 आ रहा है जो कि 80 को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, विच मीन्स ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तुम्हारा आंसर
नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन क्या हो सकता है, 50 60। तो 50 और 60 को देखा करने, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बन के आ रहे हैं, 2 5। इसके पास में क्या क्या बन के आ रहे हैं, 3 2 5। कितने हैं वो अलग बात है, लेकिन 3 2 और 5 राइट। हमारे को जो कॉम्बिनेशन चाहिए, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 को तो 80 से काट देंगे, तो ये मेरा ऑप्शन बन सकता है। इसी तरह से देखो, 40 एंड 50 एलिमिनेटेड। Why? क्योंकि दोनों के पास में 3 है ही नहीं, दोनों के पास में 3 नहीं है, तो द ओनली पॉसिबल आंसर इज 50/60। बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा। यहाँ पे 80/50 - 80/60, अगर ये मेरा सही आंसर है तो LHS RHS बराबर हो जाने चाहिए, यानी कि 4/15 आ जाना चाहिए। LCM आप लेके चलोगे यहाँ पे, 300 का LCM बन के आ जाएगा। 56 यानी कि 6 8 48 480 -65 8 5 400, दिस बिकम्स इक्वल टू 80/300। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 2 15 LHS RHS बराबर हो गए, विच मीन्स यही मेरा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, आयटन सेना had to cover a distance of 60 kilometers. However, he started 6 minutes late than his scheduled time and raced at a speed of 1 kilometer per hour higher than his original speed, originally planned speed, and reached the finish at the time he would reach it if he began to race strictly at the appointed time and raced with the assumed speed. 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना था, एक स्पीड थी दूसरी स्पीड थी, दोनों के बीच में 1 किलोमीटर पर आर का डिफरेंस था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 6 मिनट जल्दी पहुंच गया या 6 मिनट कम के अंदर पहुंच गया। फाइंड द स्पीड एट विच ही ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द जर्नी डिस्क्राइब। अगेन तुम्हारो क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यानी तुम्हें ऑप्शन को उठा के सॉल्व करना होगा। तुम उस वेरिएबल के टर्म्स में इक्वेशन बनाओगे जो कि पूछी गई है, यानी कि इसमें लेटर स्पीड पूछी गई थी जो कि 1 किलोमीटर पर आवर ज्यादा थी, तो आप बनाओगे एक्स और एक्स माइनस वन इक्वेशन। दोनों टाइमिंग्स के बीच में डिफरेंस है 6 मिनट्स का, तो 6 / 60 विल मेक इट इक्वल टू 1/10। डिस्टेंस आपने कवर किया 60 किलोमीटर का, रिड्यूस्ड स्पीड इज x माइनस वन माइनस 60/x, दोनों के बीच के अंदर डिफरेंस बन के आना चाहिए 1/10 का। ऑप्शन उठाइए, देखिए क्या क्या दे रखे हैं अपने को। पहला ऑप्शन दे रखा है 25 का, तो 25 एंड 24। दूसरा ऑप्शन बन के आएगा 15 और 14। तीसरा ऑप्शन बन के आएगा 10 और 9। और चौथा ऑप्शन बन के आएगा 6 एंड 5। अब इसके अंदर ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास में 7 आ रहा है और ऊपर 7 का कोई मल्टीपल नहीं है, 7 जिंदा रहेगा, विच मीन्स ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह से 9 और 10 मेरा आंसर हो सकता है क्या, देखना बात को समझना कि इसके पास में ऐसा अगर अपन देखें ना, तो ऊपर देखो 3 का मल्टीपल आ रहा है 60, लेकिन 9 के पास में 2 3s हैं जबकि 60 के पास में सिर्फ 1 3 है, तो 1 3 जिंदा रहेगा, विच मीन्स ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्यों, क्योंकि बचेगा आपके पास के अंदर 5 और 6, 10 के बाद में 2 और 5 है, तो इसके पास में 2 है, 1 3 एक्स्ट्रा है, लेकिन वो 3 20 6 मल्टीप्लाई होके 60 को कैंसिल आउट कर देगा, तो एलिमिनेट हो जाएगा। 5 हमारे पास के अंदर है तो रखेंगे, जिंदा रखेंगे, कट जाएगा देखते हैं, वैसे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक मेरा आंसर बन के आ सकता है। चेक करेंगे, 60/24 - 60/25 बन के आना चाहिए 1/10, तो ये बन के आ जाता है 4 6s 4 15s, फर्दर 3 5s 3 2s 5/2, नेक्स्ट 5 12s 60 5 5s 25, तो 5/2 -12/5 एलसीएम बन के हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे 10 का 2 5, तो 25 ये बन गया, 5 2s तो 24 ये बन गया, 1/10 आ गया है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर थ्री, अमिताभ कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर 2 hours फास्टर देन ही प्लान्ड टू. दिस ही अचीव बाय ट्रेवलिंग 1 kilometer मोर एवरी आवर देन ही इंटेंडेड टू कवर एवरी 1 hour 15 minutes. एक घंटे 15 मिनट में जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करने की सोच रहा था उससे 1 kilometer ज्यादा उसने कवर किया एक घंटे में. वॉट वॉज द स्पीड एट विच अमिताभ ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस जर्नी. सेम फॉर्मेट, सेम डिस्टेंस को 2 अलग अलग स्पीड के ऊपर ट्रेवल किया गया है जिसकी वजह से टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस आया है, लेकिन इसने स्पीड के बीच में जो रिलेशन दिया है ना वो अलग तरीके से दिया. लेट से उसकी ओरिजिनल स्पीड है एक्स, 1 घंटे 15 मिनट का मतलब फैक्टर कितने का लगा, 1.25 का. तो अब वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 1.25 ऑफ एक्स. क्या बोला गया, 1 घंटे 15 मिनट में तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता यानी कि 1.25 ऑफ एक्स प्लस 1, ये आपके पास में आपकी नई स्पीड है. क्या बोला गया, दिस ही अचीव्ड बाय ट्रेवलिंग 1 kilometer मोर एवरी आवर देन ही इंटेंडेड टू कवर एवरी 1 hour 15 minutes. तो क्या बोला अपने को, एक स्पीड हमारी थी ये और एक स्पीड थी हमारी ये. लेकिन क्वेश्चन की बदमाशी यहां पे खत्म नहीं हो रही है. उसने हमसे क्या पूछा है, इसमें भी क्वाड्रेटिक बनने वाली है, सेम क्वाड्रेटिक तो बनेगी, लेकिन इसने पूछ के लिया व्हाट वाज द स्पीड एट विच अमिताभ ट्रैवल्ड ड्यूरिंग हिज जर्नी. यानी कि उसने तुमसे ये वाली स्पीड पूछी है, बाद में तुम्हें इसका वेरिएबल उठाना. वाई, ये जो मेरी नई स्पीड थी ना वो है 1.25 ऑफ एक्स प्लस 1, और मुझे जो इक्वेशन है ना वो वाई की टर्म्स में बनानी, क्योंकि इसने तुमसे नई स्पीड के बारे में पूछा है. तो इक्वेशन बेसिकली बन के रही है एक्स की टर्म्स में, 96 मेरा डिस्टेंस था, मेरी पुरानी स्पीड थी एक्स, मेरी नई स्पीड थी कितनी वाई, और दोनों के टाइम के अंदर डिफरेंस कितना था 2 आवर. लेकिन मुझे बनानी है वाई की टर्म्स में इक्वेशन, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी अब क्या, 96 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू रखनी है मुझे y की टर्म्स में जो कि कितनी है y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.25 माइनस 96 डिवाइडेड बाय y, दोनों के बीच का डिफरेंस. अब मुझे क्या करना होगा, मुझे एक एक ऑप्शन उठाना होगा, उससे मुझे ये वाला एक्सप्रेशन भी पता लगाना पड़ेगा. अब मेरे ऑप्शंस क्या क्या बने, मैं ये x और y की वैल्यू देखता हूँ ऑप्शंस के थ्रू क्या क्या बन के आएगी. अगर मेरा ऑप्शन है 16 तो दूसरा कितना बन जाएगा, 16 माइनस 1 अपॉन 1.25, 15 डिवाइडेड बाय 1.25 विच इज इक्वल टू 12. y की वैल्यू 16 और x की वैल्यू 12. नेक्स्ट अगर मैं ऑप्शन पिक करता हूं 26 तो दूसरा कितना बन जाएगा, 26 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.25 विच विल बी इक्वल टू 20. अगर मैं ऑप्शन लेता हूं 36 तो दूसरा बन जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 1.25 विच इज इक्वल टू 28. और अगर मैं ऑप्शन पिक करता हूं 30 तो मेरा दूसरी वैल्यू बन जाएगी 29 बाय 1.25 विच इज इक्वल टू 23.2. अब मेरा आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो इंटीजर आना है तो यानी कि डिनोमिनेटर वाली दोनों वैल्यू जो है वो मोस्ट प्रोबेबली, मैं डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरा 96 उनका मल्टीपल होना चाहिए. तो देखो जरा 96 किस किस का मल्टीपल है, 12 और 16 दोनों का मल्टीपल है, 20 और 16 का नहीं है. अगर नॉन इंटीग्रल वैल्यू दोनों के पास में 0.25 आया या दोनों के पास में 0.50 आया, किस तरीके की वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे वो नहीं आएगी. 28 का मल्टीपल नहीं है, आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं. ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर है, 12 8s are 96 चेक कर लिया, 16 6s are 96 सॉल्व करके बन के आता है 2 which means option number A will be the answer to this question.